चंदौली में दर्जनों बुजुर्गों को मृत घोषित करने के बाद डीएम ने मामले के जांच के आदेश दिए हैं। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले पिपरिया गांव में दर्जन बुजुर्गों को कागजों पर मृत घोषित कर दिया गया है। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम पंचायत ने 1500 रुपए की मांग पूरी न होने पर बुजुर्गों को मृत घोषित कर दिया है, जिसके बाद गाँव के लोगों ने डीएम और एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। वही मामला संज्ञान में आने के बाद डीएम ने समाज कल्याण अधिकारियों को जांच करने के आदेश दिए हैं और अधिकारियों ने जांच के बाद 32 में से 13 लोगों को जीवित पाया है। कहना है कि ग्राम सेक्रेटरी और प्रधान ने इनसे 1500 रुपयों की मांग की और न देने पर इन्हें मृत घोषित कर दिया पेपर्स में, जिसकी वजह से इनका राशन कार्ड समाप्त हो गया, इनको पेंशन मिलनी एक साल से बंद हो गई। इसके साथ इन्होंने कुछ अभिलेख लगाए हैं ग्राम समाज विभाग के, जिसमें अभिलेखों में इनके नाम के समक्ष मृतक दर्शाया गया। फिलहाल डीएम ने मामले को गंभीरता से देखते हुए जांच के आदेश तो दे दिए हैं, लेकिन देखना होगा कि पूरे मामले में क्या कार्रवाई होती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंदौली से प्रदीप शर्मा की रिपोर्ट।